सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास गृह, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय शिल्पकार है, कलाकार है, वो अपना सामान यहां आसानी से बेच पाए इसके लिए दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह चित्तौरा झील पर घाट और सीढ़ियों के निर्माण और सुंदरीकरण से इस ऐतिहासिक झील का महत्व और बढ़ जाएगा। ये सारे प्रयास बहराइच की सुंदरता ही नहीं, सिर्फ सुंदरता बढ़ाएंगे ऐसा नहीं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। मरी मैया की कृपा से ये कार्य जल्द पूरे होंगे। भाइयों और बहनों, बीते कुछ सालों में देश भर में इतिहास, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृंदावन हो, भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, संत कबीर का मगहर धाम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इनके विकास के लिए भगवान राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों जैसे अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि तीर्थ स्थलों पर रामायण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट, ऐसे अनगिनत सर्किट इसका विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, बीते कुछ वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उनका प्रभाव भी नजर आने लगा है। जिस राज्य में अन्य राज्यों से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं वो प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में भी यूपी देश के टॉप 3 राज्यों में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक कनेक्टिविटी के साधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। भविष्य में अयोध्या का एयरपोर्ट और कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश विदेशी टूरिस्टों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े दर्जन भर एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें से कई पूर्वांचल में ही है। उड़ान योजना के तहत यूपी के अनेक शहरों, उनका काम कीमत वाली हवाई सेवा से जोड़ने का अभियान चल रहा है, कम कीमत से। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें पूरे यूपी में बनाई जा रही है। और ये तो एक तरह से आधुनिक यूपी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत है। एयर और रोड कनेक्टिविटी के अलावा यूपी को रेल कनेक्टिविटी भी, वो भी आज आधुनिक हो रही है। यूपी 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है। हाल ही में ही
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक बड़े हिस्से का लोकार्पण यूपी में ही किया गया है। यूपी में जिस प्रकार आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साहित है। इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बेहतर अवसर बन ही रहे हैं, यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्पना करिए, अगर यूपी में हालत बिगड़ते तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की बातें की जाती। लेकिन योगी जी की सरकार ने, योगी जी की पूरी टीम ने बेहतरीन तरीके से स्थिति को संभाल करके दिखा दिया। यूपी न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा, बल्कि बाहर से लौटे श्रमिकों को रोजगार देने में भी यूपी ने प्रशंसनीय काम किया है। भाइयों और बहनों, कोरोना के खिलाफ यूपी की लड़ाई में पिछले 3-4 वर्षों में किए गए कार्यों का बहुत योगदान रहा है। पूर्वांचल को दशकों तक परेशान करने वाली दिमागी बुखार का प्रभाव यूपी ने बहुत कम करके दिखाया है। यूपी में 2014 तक 14 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 24 हो चुके हैं। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है। इनके अलावा 22 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है। यूपी जल जीवन मिशन यानी हर घर जल पहुंचाने के लिए भी प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। जब शुद्ध पीने का पानी घर घर पहुंचेगा तो इससे अनेक बीमारियां वैसे ही कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में बेहतर होती बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाओं का सीधा लाभ गांव, गरीब और किसान को हो रहा है। विशेष तौर पर छोटे किसान, जिसके पास बहुत कम जमीन होती है, वो इन योजनाओं के बहुत बड़े लाभार्थी हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे लगभग 2.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधे पैसे जमा किए जा चुके हैं। ये वो किसान परिवार हैं जो कभी बिजली का बिल या खाद की बोरी खरीदने के लिए भी दूसरों से कर्ज लेने के लिए मजबूर थे, लेकिन ऐसे छोटे किसानों को हमारी सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर कर दिए, उनके खाते में जमा कर दिए। यहां किसानों को बिजली न होने की वजह से जो दिक्कतें आती थी, रात रात भर बोरिंग के पानी के लिए जागना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था कि मेरा नंबर कब आएगा, ऐसी तमाम दिक्कतें भी बिजली आपूर्ति सुधरने से अब दूर हो रही है।